I am Polygroid and you are learning at Impolygroid channel. Enjoy and have a great time. सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक काल्पनिक कहानी है। इस सीरीज में संदर्भित सभी वर्ण, स्थान, जगहें, भूखंड और घटनाएं रचनात्मक रूप से अवधारणाबद्ध किए गए हैं। नाटकीयता के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति और या जगह और या स्थान और या घटना से कोई समानता पूर्ण रूप से सहयोग और अनजाने में है। सत्तू बेटा, मैंने बोला क्या? बोला ताऊ कि तू एक आंख छोड़ दे, पर डॉक्टर माना नहीं। ताऊ, दोनों आंखों का मोतियाबिंद पक गया है, दोनों एक साथ निपटा देते हैं। अरे ताऊ, अगर निपटाई ना होती ना तो तेरी दोनों आंखों की हेडलाइट फ्यूज हो जाती। अरे मुझे पता है, इतनी डॉक्टर की तरफदारी ना कर तू। अरे ताऊ, तुम्हें सब पता है। हेलो, कौन बोल रहा है? नमस्कार सर, मैं SBI बैंक से बबीता कौशिक बात कर रही हूँ। बैंक से? जी सर, आपको बताना चाहूँगी कि आपके खाते को 50,000 रुपए की लॉटरी लगी है। कितना बोला? सर 50,000। सर, इनाम की राशि पाने के लिए आपको अपने कार्ड की जानकारी की पुष्टि करानी होगी और पैसा आपके खाते में शाम तक पहुंच जाएगा। हाँ हाँ, कार्ड मेरे हाथ में है, क्या करना है? सर, आपने कार्ड पर दिया हुआ 16 अंकों का नंबर हमें बताएं और उसके नीचे दी गई समाप्ति तिथि हमें बताएं। अरे सत्तू, ये कार्ड ले लाताओ, मेरे फोन पर ये नंबर बता दे। हेलो मैडम। जी सर, समाप्ति तिथि है नवंबर 2024 तक। सर, अपना कार्ड पलटिए, पीछे दी गई सफेद पट्टी पर 3 अंकों का डिजिट होगा, वो हमें बताएं। हाँ मैडम, एक मिनट। अरे ताऊ, ये तो सिक्योरिटी नंबर मांग रही है, वो थोड़े ना देते हैं किसी को। सत्तू बेटा, तेरे को पता नहीं है मेरी 50,000 रुपए की लॉटरी निकली है, तू नंबर बताएगा नहीं तो खाते में पैसा आएगा कैसे? 50,000 ताऊ, कमाल है, मैं समझा छोरी फ्रॉड कर रही है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो मैडम। हाँ लिखो। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज सजीवन के बारे में पता चला, बहुत कर्जा था, बैंक को 3 बार अर्जी दिया, तीनों बार मना हो गया, किसान और कर्जा की जोड़ी, सांप और आदमी की जोड़ी है, सांप कैसा भी हो काटेगा ही। अरे भैया, इन लड़कों की वजह से तुम्हारा कर्जा माफ हो गया और तुम ज्ञान बांट रहे हो, वरना किसी दिन तुम भी पेड़ पर लटके दिखाई देते, सब पता है। चलो बाबा आओ। बाबा, 2 लाख? हाँ जी। क्यों? शादी है इसकी? तुम्हारा लड़का है? नहीं, हमारा भतीजा है। तुम तो वही हो जो पिछले महीने आए थे, तब तो कोई और था तुम्हारे साथ। हाँ तो क्या हुआ? तब दूसरा बाबा लाए थे, आज दूसरा बाबा लाए हैं, कभी चाचा कभी मामा। आप अपना काम करिए ना सर, यहाँ साइन करो। चलो बाबा, ठीक है, अभी कल आना। सारा पैसा खत्म हो गया। वाह भाई वाह, हमारा नंबर आते ही सारा पैसा खत्म। गांव के सारे लड़के लोग पैसा ले गए। ये लो चाचा, रख लो, शाम को शादी में सबको लेकर आना, ठीक है? और अगर कोई कुछ पूछे तो? हाँ, अरे तुम परेशान मत हो, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। आह डॉली साहू,
हम सौरव शर्मा। हाय, सॉरी आपको इंतजार करवाया। कृपया बैठिए, हमें लगा कोई सीनियर अधिकारी होगा। डॉली साहू, एसपी जामताड़ा सुनकर मुझे भी लगा था कि आप कम से कम 4045 की होंगी। सीनियर तो नहीं हूँ, पर काबिल हूँ। आईआईटी खड़गपुर से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी किया। पिछले साल मैंने भी आईएएस पास किया है। ये मेरी पहली तैनाती है। क्या बात है, चाय पियेंगी? हाँ, दो चाय और साथ में कुछ खाने के लिए ले आओ। हम वो सेल लगी थी आज, तो मैंने सोचा देख आता हूँ, यहाँ तो कोई काम है नहीं, मिलने भी बहुत कम लोग आते हैं। काम नहीं है मतलब? मैडम बस यूँ समझ लीजिए कि यह साइबर क्राइम ब्रांच राज्यपाल के कार्यालय की तरह है। कहने को सबसे महत्वपूर्ण है, पर काम यहाँ कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए तो राज्यपाल का कार्यालय ही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और जहाँ से हम आ रहे हैं वहाँ के हालात कुछ ऐसे ही हैं। मैं जानता हूँ सौरव, हमें फिशिंग खत्म करनी है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। आप फिशिंग के बारे में क्या जानती हैं? मैं जानती हूँ फिशिंग क्या है। मुझे पता है हमारे जिले के नाबालिग लड़के ये काम करते हैं और मुझे इसे खत्म करना है। ये पिछले 6 महीने की शिकायतें हैं पूरे देश से। हर जगह से टीम आई, गिरफ्तार भी हुए, पर उसके आगे कुछ नहीं। मैडम, हमारे देश का आईटी अधिनियम बहुत कमजोर है। दोष सिद्धि तो दूर की बात है, हम कोर्ट में उनकी जमानत तक नहीं रुकवा पाते। और जहां तक बात रही अपराध की, तो ये अब एक अपराध नहीं रह गया। आपके जिले की अर्थव्यवस्था भी है, आप इसे कैसे रोकेंगे? सौरव, हमें भी पता है दिक्कतें हैं, लेकिन हम यहाँ दिक्कतें नहीं, समाधान ढूंढने आए थे। आप अगर हमारी मदद कर सकते तो अच्छा होगा, वरना हम अपना काम कर ही लेंगे। फिलहाल तुमसे ये मुलाकात अच्छी रही, शुक्रिया मैम। आ, मेरा वो मतलब नहीं था मैम। बहुत कोशिश कर ली लेकिन कोई हल नहीं मिला, इसलिए थोड़ी तो निराशा होती ही है। सौरव, हमारा निराशावादी होना ठीक नहीं। जामताड़ा आइए, काम शुरू करते हैं। हेलो, विजेंद्र सिंह से बात हो सकती है? हाँ, बोल रहा हूँ। सर, आपके पास क्रेडिट कार्ड है? हाँ है। सर, आपके क्रेडिट पॉइंट की अवधि अगले हफ्ते समाप्त हो रही है, इसलिए कंपनी आपको गोवा में 5 दिनों की छुट्टी पैकेज दे रही है। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? सर, सिस्टम में तो दिखा रहा है। अरे, तेरे सिस्टम में आ रहा है तो मैं क्या करूं फिर? आह सर, हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, बोलिए। अरे, पर ऐसा हो कैसे सकता है? सर, हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? आपको नहीं चाहिए गोवा ट्रिप तो फिर ठीक है। अरे नहीं, चाहिए भाई। तो फिर एक काम कीजिए, अपना कार्ड नंबर बताइए और पीछे लिखा 3 अंकों का नंबर बताइए। अरे तू बोल, कौन रहा है? अरे सर, नाम जान के क्या करेंगे आप? अरे नाम इसलिए क्योंकि जिससे तू बात कर रहा है ना, वो दिल्ली पुलिस में है इंस्पेक्टर, और तेरी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। और जहां से तू बोल रहा है ना, हरामी, अबे क्या हो गया? अरे साला पुलिस वाला था। पुलिस? अरे डरो मत, पुलिस मिनिस्टर कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे क्या? आज बहुत अच्छा काम करे हो तुम लोग,
जाओ जाके ऐश करो। ले पकड़। आज का कितना आया? 1,25,000। कितना? 1,25,000। हेलो, हाँ बोलो बे। अच्छा, क्या हुआ? क्या होने वाला है? शक्ति का प्रदर्शन। मार लिए बेटा। करण अर्जुन कहाँ है? अबे यार बच्चों, बीच में मत भौंका कर, औकात में रहो साले, नहीं तो तुम्हारी बजा दी जाएगी और पता भी नहीं चलेगा, फिर मजा भी तो नहीं आएगा। अबे साले, किसको किसको माल पीना है? अबे साले, भान हो गया था इसका अभी। हाँ भैया, हमारा भौभान हो गया था। कहाँ से पाइए? देखो इसको, प्रसाद है कि पाएंगे? देखो इसको क्या लिखा है, रॉक ई। पैसा खर्च किए हैं तब आया है। आज से छोटा मोटा काम सब बंद, अब बड़ा कांड होगा बेटा। सही है भाई, यहाँ तुम गाड़ी हाँक रहे हो, वहाँ वो गुड़िया हाँक रहा है, बढ़िया है, हाथ तो सनी मारा है, नेताजी खाली प्रचार कर रहा है, सनी कुछ बड़ा करने वाला है। घंटा, सनी अब खत्म है बे। एक बात जान लो तुम लोग, सनी ना हमारा भाई है ना दोस्त, तुम लोग को जाना है उसके पीछे तो जाओ, फिर हम नहीं आएंगे बचाने। क्या भैया, इतनी गर्मी क्यों खाते हैं? आजकल कोई मिल नहीं रहा है क्या गर्मी निकालने के लिए? और वैसे भी तुमको सनी नहीं पसंद है तो? हमको तो है, क्योंकि जो भी लिस्ट आती है वो कौन लाता है? सनी लाता है, जितना प्लान बनता है सनी ही बनाता है। तुम क्या करते हो ये बताओ? घंटा करता है। घंटा? दिखाते हैं बेटा। ठीक है बेटा, दिखाओ, फिर बात करते हैं। नेताजी शेर जब तक शिकार ना करे ना, जंगल का राजा ना बन पाए, कट्टा धरे हो, गाड़ी भी सटाए हो, शादी सनी कर रहा है, पटाखा तुम बजा दो, सब तुम्हारे पीछे आएगा। नेताजी, नेताजी ले चले दिल्ली, मजा ले ले लगा के तिल्ली, छेल छबीली नैन नवेली हिरनी जैसी चाल, राजा जी से ज्यादा लाल उसके गाल, हमरे राजा जीजा जी से लाल उसके गाल, जीजा जी की जीजी कैसे बनी? बेटा बाहर सब उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? अरे सब बोल रहे हैं कि जरूर कुछ हुआ है, इसके लिए तुम ब्याह कर रही हो? अरे हमारा बहुत बदनामी होगी, ऐसे तो बहुत नाम है ना हमारे खानदान का। हम क्या कह रहे हैं बेटा, एक बार और सोच लो, वो जात में भी छोटा है और उम्र में भी, कल को बच्चा हुआ तो? बच्चा नहीं होगा। हो? क्यों नहीं होगा बच्चा? क्योंकि जीजाजी का छोटा है। क्या बोले? इधर आओ ना, आओ ना इधर आओ, अरे चोट लग जाएगी। बोले क्या तुम? भाग यहाँ से, निकलो यहाँ से, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा, हट कमीनी साली। अम्मा देखो, सनी हमें अच्छा पैसा देगा, और हो सकता है एक डेढ़ साल बाद हम बाहर चले जाएं। ऐसा है ना, हमको इस टट्टी में नहीं रहना और ना ही कोई बच्चे पैदा करने हैं। जाओ, बाहर सब बैठे हैं। सनी सन गुड़िया, बहुत बढ़िया। एक बात बता, तुम्हारे बाप की वैसे चवन्नी में बड़ी जान निकलती है, शादी में बड़ा खर्चा कर रहे हो तुम? क्योंकि हम अपने पैसे पर शादी कर रहे हैं। हाँ, अपने पैसे पर शादी कर रहे हैं। शादी मचाने की इतनी जल्दी क्या है तुमको? अभी ठीक से दाढ़ी के बाल आए नहीं और शादी कर रहे हो? दिखाऊं तुम्हें अपनी जवानी और अपना सांप?
साला मुंह में आ जाएगा। वो क्या है ना बेटा, हम फर्क जानते हैं सांप और केचुए में, और हम तुम्हारा केचुआ देखे हैं बचपन में, लाओ दिखाओ हमें। अरे यार छोड़ो, सुनो। हाँ अब क्या, गुड़िया दीदी को दिखाए हो या रात में उनका भी उल्लू बनाओगे? ये सब फालतू की बात नहीं करते हैं हम, पूछ रहे हैं ना शादी क्यों कर रहे हो? हम रुको जरा आ रहे हैं। ए हीरो कहाँ आ रहे हैं, हमको बताओ, हम किसी को नहीं बताएंगे। अरे यार तुम कहाँ ले जा रहे हो, बोलो ना, हम किसी को नहीं बोलेंगे। नमस्ते मामी। अरे दीदी पाए लागू, जीती रहो, ये लो सनी पैर छुओ, खुश रहो बेटा, लो जी जी। अरे इसकी क्या जरूरत थी, ना ना ठीक है, कुछ सीखो, तुमसे 3 साल छोटा है लेकिन तुझसे ज्यादा समझदार है ये। नमस्ते आंटी अम्मा, हम में और सनी में कोई प्रतिस्पर्धा थोड़े ना है, हम ठहरे अनपढ़ जाहिल, ये तो खानदान का अक्षय कुमार है। अरे खुशी के मौके पर ऐसी बात नहीं करते, चलो सनी गले लगो। हाँ जाओ जाओ सनी, अब कोई बच्चा नहीं रह गए हो, जाओ चलते हैं बुआ। अरे कहाँ जा रहे हो, यहाँ इतना काम है कहाँ जा रहे हो? अरे हमको भी जरूरी काम है, आए हो तो रुको थोड़ी देर, आते हैं अभी। जी जी ये कभी नहीं सुनता हमारी, अरे छोड़ो, चलो जी जी अंदर चलो, बहुत दुखी करके रखा है। ए, बेटा हम दोनों की तो कोई गलती नहीं इसमें, हम दोनों को जाने दो। अरे बाबा जितना कहे हैं कर दो और जाओ दोनों, हम कर देते हैं भैया। ए, बहुत बकवास हो गई, जितना कहे हैं उतना करो वरना दिमाग करो फिर, ये तब तक हमारे पास रहेगी ठीक है। देसी दारू का ठेका, अरे निलंबित हुए थे, छुट्टी नहीं मिली है, जो मैं तुम्हें कलकत्ता घुमाने ले जाऊं। अरे नहीं पी रहे हैं साला, इसीलिए हम घर नहीं आते, तुम्हारी झिकझिक झिकझिक, साला कोई गाली होती है? अरे मजाक कर रहे थे, अच्छा ठीक है नहीं करेंगे, कल आ रहे हैं ना क्या? अच्छा ठीक है कह देते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुनो फोन रखो, क्या हो गया बाबा? सर जी बचा लीजिए, बैठो सर जी बचा लीजिए, क्या हो गया? पिछले 1 साल से हर महीने इस खाते में लाखों जमा हो रहे हैं, क्या बाबा पिछले 1 साल से मजे ले रहे हो? शिकायत क्यों नहीं कराई? सनी मोंडल ने हमें डराया धमकाया, जान से मारने की धमकी तक दी। सनी मोंडल की फाइल निकालिए। हाँ सर, गांव का लड़का है सनी मोंडल, उसे और रॉकी को हम पकड़े थे फिशिंग केस में। ये नहीं, सत्र न्यायालय वाला निकालिए। सर ये चेकबुक। अच्छा अमीर आदमी चेकबुक भी रखे हो, लिखना पढ़ना आता है? अंगूठा लगाइए, एफआईआर लिखिए, सरकारी गवाह बनाइए। ये देखिए मैडम, सनी रॉकी पोंटू शाहबाज सबके मोबाइल भी जब्त किए थे, ये सब नाबालिग हैं और किसी के पास भी खाता नहीं है, इसका मतलब फिशिंग के सारे पैसे इस खाते में हैं। केस बनता है मैडम, चलिए चलिए बाबा। रॉकी फोन काट रहा है, लेकिन रॉकी गलत किया,
लाख दुश्मनी हो, लेकिन भाई की शादी में तो आना चाहिए। आइए बाबा आइए, भाग भाग। अरे पुलिस यहाँ क्यों आई है? लेकर आइए इन्हें। अरे अरे ये लड़का है? हाँ यही है सनी मोंडल, गिरफ्तार कीजिए। चलो शादी खत्म। क्या हुआ? चलो आइए। कहाँ ले जा रहे हैं इसे? हुआ क्या है बताइए? इनको भी लेकर चलो। अरे रुकिए, हुआ क्या है? चल चल जल्दी पीछे हटो।